धक्का बनाने का है। गाड़ी फट गई, धक्का क्या, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, किसी का फोन ही नहीं लग रहा, आसपास में कोई है ही नहीं। देखो गिफ्ट है तुम्हारे लिए, 11 मिलेंगे। क्या है बोलो पहले। स्पेशल चीज है, अभी नहीं बताऊंगा, देख के मालूम पड़ेगा तुम्हें। कुछ यूनिक है वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और सब ठीक हो? तुम्हारे दिल में वो बड़े, तुमसे एक काम था यार, अभी एग्जैक्ट मैं कार में बैठा हूँ, एक परेशानी है मेरे को, टेंशन है, तुम हेल्प कर सकते हो मेरे को? हाँ, एक परेशानी हेल्प कर सकते हो तुम अभी? तुम हो कहाँ पहले ये बताओ मुझे। हम लोकल वाला आसपास ही है। क्या करने जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, कपड़े वपड़े लेने आ रहे हो? तो टफ वफ कब बुक कर रहे हैं मैच खेलने के? बड़े मेरे को है ना शके चाहिए था 5 लाख रुपए। हाँ कैश कैश 5 लाख चाहिए, जरूरत है। अपन जगह अभी जगह लिया हूँ, वो जगह में ना मतलब कम पड़ रहा है, मतलब उसको साइन नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलूँ तुम्हें, साइन करवाने के लिए उसको अभी 5 लाख कैश देना पड़ेगा, तो साइन हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा, मैं तेरे को रिटर्न कर दूँगा थोड़ी देर। आप भी हाँ ओ हाँ, लोधा क्लियर नहीं हुआ क्या अभी तक? तो बड़े किसी से जुगाड़ करके नहीं दे सकते क्या? अभी किसी से हो जाओ कोई और हाँ, अद्दान के पास बहुत पैसा है, अद्दान के पास बहुत पैसा है, उसका बहुत पैसा है, 12-12 लाख की घड़ी पहनते हैं, 20-20 लाख की, उसके पास बहुत पैसा है, 20-20 लाख की घड़ी पहनते हो, तो 5 लाख तो यूँ ही दे देगा मुझे। तुम मेरे को ट्रांसफ़र ही कर सकते हो ना तुम 1-2 लाख रुपया? तुम मेरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, मतलब तुम बोल रहे हो 1-2 लाख रुपया ट्रांसफ़र, वो भी तुम्हारे पास इतना ही बचा है अभी? हाँ ना वही तो मैं भी सोचूँ ऐसा, तुम लोग से ही होएगा मेरे को मालूम था, तुम लोग चार के पास ही अला मेरे अलावा तुम लोग चार के पास ही बहुत पैसा है मेरे को पता है। कहाँ पे लिया मगर तुझे? मैंने ऊपर लिया ना ब्रिज पे। कहाँ? ब्रिज पे लिया हूँ, लोटस पेट्रोल, लोटस के पहले, लोटस से पहले, लोटस से पहले बड़े, लोटस लोटस है ना, लोटस वो क्या नाम है उसका, नहीं पेट्रोल पंप नहीं, ब्रिज ब्रिज ब्रिज, लोटस जो कोट पैंट वाला है अपने धरावी में, लोटस हाँ उसके बाजू वाला लिया ना, तो बड़े तो मेरे को है ना शके कम पड़ रहा था, इसके लिए मैं बोला कि तेरे से पूछ लेता हूँ मैं, अभी मैंने उन लोग को फ़ोन नहीं किया बाकी लोग को। हाँ 155 हाँ तो मैं कर देता हूँ ना बड़े, अगले मैंने बोलो तो मैं कर देता हूँ तुम्हारी हेल्प। ओके ब्रो, तो कोई नहीं ना ब्रो, वीडियो कॉल करो ना बड़े। ठीक है वो वाले नंबर से करता हूँ मैं। ये फेस टाइम इससे नहीं उठ रहा है क्या? हाँ उठेगा ना, अच्छा उठा लो बस सब ब्रो। अबे ऑफिस में है क्या? अरे ऑफिस में हूँ मैं ब्रो, तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है बड़े। ये कैमरा है सामने देखो, और मैंने तुमको फोन लगाया था। भारी दे रहे हो, ये रे वो दिखा? दिखा दिखा दिखा, अभी देखो और साफ कर दो, रे वो दिखे इतने सारे लोग? हाँ दिखे 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 दिखे, देखो और जूम करूँ और दिखेंगे? हाँ दिखा।
सो फाइनली तुम भी ये प्रैंक में नहीं आ पाए, ये कर सकता था मेरे लिए, ये बोल रहा भी है, लेकिन अभी ये भी थोड़ा समझ सकते तो चल रहा है अभी सब नहीं, तो अभी 10 लाख कैश दे रहा था और इन लोग चारों से मैं 10 लाख लेके ना 50-50 ले सकता हूँ और कनाडा भी निकल सकता हूँ, इतना पैसा इन लोगों के पास अभी बहुत अभी लोग हैं लोग गाइस। तो जल्दी से बोल दे मेरे चैनल के लिए कि लाइक शेयर कमेंट करना, मैं भी यूट्यूब पे आ गया तेरी तरह, तो मैं भी बोलूँगा वेलकम बैक टू माई फायर चैनल, ये मेरा पहला वीडियो है गाइस और टीम 07 के साथ है। तो शादान कुछ बोलना चाह रहा है आप लोग के लिए, बोलो शादान। पैसे मांगने वाला जो कि वो अभी फिलहाल कर नहीं पाया तो फ्लॉप हो गया है प्रैंक। मेरे साथ प्रैंक कभी ना कभी इंशाल्लाह, नहीं तो मैं 5 लाख अभी ले लिया था अकाउंट में, वो वापस भी नहीं देता इसको। नहीं, तो अब दे सकते हो, 2 लाख है मेरे पास। आप 2 लाख दे रहा है बहुत लेट दे रहा है, चल ठीक है इंशाल्लाह। मैं एकदम मस्त स्मार्ट दिख रहा हूँ ना, बाल बाल खराब हो गए। चलो तुम कराओ गाड़ी का काम। यस यस यस, तो तीसरा भी प्रैंक होता हुआ गाइस, तुम गाड़ी का काम करो, वीडियो आएगी जल्दी, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस ये थोड़ा प्रैंक में हार गया है, इसने बोला कि ये भी थोड़ा कंडीशन में चला, लेकिन ये कर सकता है, दो तो कर सकता था, चलो 5 नहीं 2 तो कर रहा था, लेकिन बाकी लोग 50-50 दे देंगे मेरे को, कनाडा चले जाऊँगा ये सब पैसे मांगते मेरे लोग से। तो गाइस बढ़ते अगले प्रैंक की तरफ, और एक और लास्ट शख्स बचा है हमारे टीम 07 में, मिस्टर फैसू। तो अब उसके साथ क्या करें ऐसा सोचना पड़ेगा, थोड़ा 2 मिनट लगेगा मेरे को सोचने में, तो दिमाग में बहुत कंटेंट आ गए यूट्यूब चालू किया हो जब से, तो जो भी निकल रहा है रियली निकल रहा है गाइस। मिस्टर फैसू को कॉल किया जाए, क्या प्रैंक करने का है उसके साथ, वो बातों बातों में याद आ जाएगा। चलो ठीक है, अगर कॉल नहीं लगाया अपन कॉल के लिए आहे ती सध्या इतर कोणाशी बोलत आहे, आपण प्रतीक्षा करू शकता, किसे बात कर रहे हो भाई, पुन्हा प्रयत्न करू शकता, कौन है फोन पे, जिस व्यक्ति को कॉल की। सो गाइस आ चुका है इसका कॉल और उठा रहा हूं मैं, क्या प्रैंक करने के, सोच लियो शादी हो रही है। हेलो व्हाट्स अप ब्रो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, ठीक हो ब्रो? अरे यार सो रहे हो क्या, खतरों के खिलाड़ी के क्या, अरे खतरों के खिलाड़ी क्या बात है, मैं तो तुम्हारे दिल में हो बड़े, तुम किधर हो, पहले घर पे हो तो आ रहे हो तुम, मैं आ रहा हूँ अमान भाई के स्टूडियो, तो मिलते हैं वहाँ पे, चलो ठीक है जाएंगे। और एक और शॉट है तुमको मैं फोन किया बताने के लिए, क्या शॉट था मालूम, बोलना नहीं किसी को, मेरे घर वाले ना बोल रहे कि 3-4 महीने बाद ना शादी कर लेंगे, राते को, हाँ क्यों, 6 महीने के अंदर तो करने ही बोल रहा, मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, तो कर लो ना बड़े, क्या है कर करते ना, आना है ना, आना तो करते, 6 महीने कर लेते, और तू भी करने वाला ही था मेरे को लगा, तो अपन टाइम है, मेरे को टाइम है, तो अपन साथ में कर लेते थे, अपना डेस्टिनेशन वेडिंग बना देते थे, क्या बोलते, चल चल तू आ पहले स्टूडियो में बात करते अभी करूँ कि नहीं सोच रहा यार मैं, बहुत परेशान चल रहा, मेरे को जबरदस्ती करने बोल रहे हैं, मशवरा करते ना, हाँ मेरी अम्मी और लड़की भी ठीक ठाक ही अच्छी है, मेरी अम्मी भी एकदम है, गाँव की है शायद, गाँव की है, हाँ तो अम्मी भी इतना बोल रहे करने, और मैं बोला अरे यार अपन सोशल मीडिया पे तुम लोग करे नहीं और मैं कर लूँ अकेले, तो समझ में नहीं आ रहा, तू आ रहा स्टूडियो पे, आ रहा बात करते ना, आ रहा है अभी, हाँ अभी आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ, चला बात कर। तो गाइस ये भी फंस गया इसमें, मतलब प्रैंक इसके ऊपर असर कर गया, मान गया है कि मतलब मेरी शादी हो रही है, और मैं इसको बोला कि मेरे साथ डेस्टिनेशन वेडिंग कर लेते, तो हंस रहा है बोलते तू आ पहले साथ में बात करते, तो इसको बता देते वीडियो कॉल पे कि क्या शॉट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच बता देते। तो ये लास्ट था हमारा खतरों के खिलाड़ी डायरेक्ट वीडियो कॉल किया उठाया कि नहीं देखते अभी। ये मेरे को मालूम था कि तू तेरा यूट्यूब चैनल का ब्लॉग नहीं पता था तुझे, नहीं
सकते मैं बोला डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकते मिस्टर फैसू और मैं साथ में जाके 6 महीने बाद, क्योंकि इसके घर वाले बोल ही रहते इतने दिन से, तो ये कर सकते थे। अच्छा प्लान, ये देख व्हाट्स अप। हाँ 6 साल बाद भी नहीं करने लगे तो देख सकते हो आप मिस्टर फैसू को 6 साल बाद भी शादी नहीं करेंगे बोल रहे, और ये 6 महीने के अंदर ये करने वाला है गाइस, मैं सच बता रहा हूँ। बच्चियां परेशान हो रही है, वायरल चल रहे है ना वो ही गाइस। तू मेरे से हाँ कन्वर्सेशन कभी नहीं कर सकता है, बोलूंगा तू शादी कर ले। लेकिन ये शादी का कॉन्सेप्ट हम लोग सोचे कि तेरे को ही बोलना चाहिए, क्योंकि तू शादी करने वाला था ना, तेरा वायरल चल रहा था अभी कि शादी हो रही है, शादी बराबर। हाँ आ रहा ना अभी, अभी आ रहा हूँ, घोड़ा वोड़ा लेके आ रहा हूँ, गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। लेकिन एक अच्छा प्लान था ना गाइस कि मतलब हम लोग की शादी डेस्टिनेशन वेडिंग दूर सिंगापुर वगैरह जाके फुल मस्त, बहुत सारे लोग आएंगे, फैन लोग को इन्वाइट करेंगे, 15-20 मिलियन 25 मिलियन लोग आएंगे, क्या बात। तो अभी हम लोग जाएंगे मिलेंगे, तो मैंने सबके साथ प्रैंक कर चुका हूँ, फैज के साथ मैंने किया हो, फैज आया था ऑटोमैन मुझे लेने के लिए, मेरी टायर पंचर हो गई थी तो मैं वहाँ, तो फैज आ चुका है ऑटोमैन मेरे को लेने जिम से, और फैज को मैं नहीं मिलता हूँ, फैज बहुत गुस्सा हो जाता है, फैज बोला तुमको दुबई बुलाऊंगा मैं, रुको अभी तो तुम शॉर्ट दिखाए हो। शारन के साथ मैंने उधार मांग लिया 5 लाख का, सारन भाई ने 2 लाख देने को रेडी थे, अभी पैसे नहीं है कड़की में चल रहे बोले, गाली वाली दे रहे थे। और अद्दान भाई से हमने दरवाज़ा खुला है क्योंकि डिलीवरी आई थी, और तुम थे शादी, अद्दान भाई की डिलीवरी बहुत देर से आई थी, अद्दान भाई की चाबी घूम गई है, घर की चाबी नहीं मिल रही अब, तो एक अलग ही प्रैंक हो गया उनके साथ। और फैसल भाई जो शादी के लिए माने जाते तो तो हम लोग का खत्म होता हुआ गाइस आज ये व्लॉग टीम 07 के साथ पहली वीडियो आ रही है, तो फैसल बोलेगा 2 महीने बाद में खतरों के खिलाड़ी करके आता हूँ, तो इसकी शादी में जाऊंगा। हाँ हाँ मैं 6 महीने बाद इसकी शादी में जाऊंगा, तो तुम भी बोल दो बड़े कि लाइक शेयर करना, अभी मेरा भी चालू हो गया, पहला वीडियो है ये। हसनैन के YouTube चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसको पहले तो ढेर सारी गालियां दो, ये इतने टाइम बाद अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है। बहुत लेट, सही बात है, सही बात है। तो अभी मिस्टर फैसल ने भी बोल दिए कि जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो, तो पहला वीडियो गाइस वायरल तो होना चाहिए, और इंशाल्लाह तो अब YouTube जर्नी हमारी 07 के साथ अलग फेम लेंगे हम लोग, और पहले हम लोग म्यूजिकली सोचे थे कि वहाँ फेम बहुत अच्छा है तो गए थे, अब यूट्यूब सोच के जा रहे, तो यूट्यूब पे अलग और नेक्स्ट लेवल, तो धीरे धीरे और बड़ा करेंगे इंशाल्लाह। चलो आ रहा हूँ मैं, उधर ही आ रहा हूँ, मिलो, एंड होता हुआ, यस 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 यस, प्रैंक सक्सेसफुल होता हुआ यहाँ पे, अल्लाह हाफिज। सो गाइस फाइनली यहाँ पे हमारा प्रैंक खत्म होता हुआ, और एक तो बन चुका है फैज बलोच, जिसको हम लोग ने बुला लिया था दूर, और वो मतलब एक बन गया, शारान भी बन ही गया ऑलमोस्ट, अदनान भी बन जाता था अगर बाहर नहीं होता तो, लेकिन उसके बाद खुद ही एक प्रैंक हो गया कि उसी घर की चाबी गुम गई है, और चौथा ये फैसल था जो पहले तो मेरे को बोला सामने बुलाओ, फिर लेकिन बाद में अभी बोला कि मुझे समझ में आ गया था कि मैं से शादी की बात इतनी जल्दी करूँगा नहीं, 6 साल तक तो पता ही है उसको। सो यहाँ पे ख़त्म होता हुआ गाइस, तो इतने लोग ने तो बोल ही दिया आपको कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सब ने बोल दिया, चारों इतने महान लोग ने बोल दिए, बड़े बड़े लोग, तो करोगे ही, मैं भी बोल लेता हूँ यहाँ से, बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करो जल्दी से जाके गाइस, मैं भी बोल रहा हूँ अभी, तो कमेंट करना ना भूले, मेंशन करो, हमारे दोस्तों को टैग करो, और ढेर सारा प्यार दो गाइस, थैंक यू।